तो दोस्तों यहाँ पे ये है हमारा खीरा का पेड़, मतलब ककड़ी, हमारे यहाँ ककड़ी बोलते हैं, ककड़ी बहुत सारे लग रखे। दोस्तों आप देख सकते हो मैं अपने सब्जी के बाग बगीचे में आ रखा हूँ। यहाँ पे पिंडालू है और कद्दू के पेड़ हैं, ककड़ी है, छोटी सी बच्ची है तो बड़ी हो जाएगी फिर निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक खीरा लाया मैं चेक करने के लिए, खीरा खा के देखते हो कैसा हो रहा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और धूप निकल चुकी है, आप देख सकते हो पीछे से सुबह सुबह का नज़ारा। रात को तो यहाँ नींद आते डर के मारे, पीछे देख लो हरा भरा जंगल बाग बगीचे, यहाँ पर देख लो एक बार इतना घनघोर जंगल है भाई साहब, पूरी रात नींद है। मैं तो सुबह 5 बजे से उठ रहा था बाहर आने के लिए, तो बाहर नहीं आ पाया मैं सुबह, ज़बरदस्त पीछे देख लो घनघोर जंगल है। घर से नीचे जाने की तो हिम्मत नहीं बनती कि क्या करो कैसे जाए भाव। तभी सुबह थोड़ा उजाला हो चुका है, इधर उधर साफ दिखाई दे रहा, तो मैं उठ गया वीडियो बनाने लग गया। मेरी तो भाई साहब हमारे हवा टैट हो रही थी पहले तक। तो दोस्तों ये हमारा गांव दिखाई दे रहा थोड़ा थोड़ा, बहुत दूर है यहाँ से। हमारे घर में रोड की सुविधा नहीं है, रोड इतनी दूर है, जो मकान दिखाई दे रहे हैं ना वहाँ से हम पैदल आते हैं यहाँ तक, ये रास्ता पड़ता हमारा यहाँ से आते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब ये है सुबह सुबह का मौसम, 7 बज रहे हैं गांव में, तो आप मौसम देख सकते हो कितना साफ सुथरा है, नीला आसमान, हरे भरे पेड़ पौधे, क्या बोलूँ मौसम की तो बात ही अलग है। ये है ना ये दोस्तों, ये क्या है आपको समझाता मैं दोस्तों, ये है पानी जो मैं बर्तन धोने के लिए गर्म कर रहा हूँ, और जो ये है ना ये लकड़ी, ये वो लकड़ी है, मैंने जो दिल्ली में पार्क में वीडियो बनाए थे, मैंने पेड़ बताया था ना हमारे उत्तराखंड में होता था, वही पेड़ का लकड़ी है ये। हमारे तो हमें आग जलानी होती है तो छोटी टुकड़ी ले लो गैस में जला लो, इसे आग लगा जलाने के लिए ये बड़ा है, इसे छील छील के निकाल दे और आग जला दी, यहाँ पे पानी गर्म होगा। तो इतना अच्छा बक्सा था हमारा, मतलब एक प्रकार से दीवाने सारा सड़ गए, तो कल जब इनको रगड़ने पे लगा हूँ सफाई करने पे, इनका हालत देखो ये देख लो भाई साहब, ये पूरी हिल रही है, देख पूरी हिल रही है, नीचे गिरने वाले, ओ भाई वो भी। तो भाई अंदर बिस्तर है, पूरे पानी भर के बिस्तर के अंदर, ऊपर से देख लो पूरा, तो देख लो पूरी लकड़ खराब हो चुकी है। तो ये पहला कमरा था हमारा, अब ये दूसरा नंबर का कमरा है। तो भाई ये भी पूरा, कल तो हमने इसको दिखाया था साफ गया था, यहाँ से पूरा लीक हो रहा था ये सारे, ये भी कड़ी सड़ चुकी, इसको तो मैंने साफ किया था कल, तब जाके यहाँ पे सोया था, यहाँ पे पूरा पानी लीक हो रहा। और ये है तीसरा कमरा, इसकी भी हालत है ऐसे, सारा पानी अंदर आ रहा है, इस पर भी लीक हो रहा, पूरा पानी भर रखा था ये बाल्टी और ये लगा रखा इसीलिए पानी के लिए। तो इसको भी मैंने बहुत सफाई की, यहाँ भी बहुत सफाई की, बक्से के अंदर पूरा पानी भर रखा था भाई साहब। ये है चौथा कमरा, तो यहाँ पे फिलहाल भूकंप से दरार पड़ रखी, और वैसे ये देख लो मेरे पुराने फोटो यहाँ पे टांग रखी, पहले मेरे बाल ऐसे थे आजकल छोटे छोटे करवा रखे। और ये हमारा बच्चा है, एक बच्चा है छोटा सा, उसी की फोटो है नटखटे, और ये मम्मी पापा के फोटो है।
और ये है जतनिया, दोस्तों यहाँ तो ठीक है, यहाँ पानी नहीं लीक हुआ अभी, यहाँ की हालत थोड़ा ठीक है और बाकी कमरे सड़ चुके। उत्तराखंड के पलायन का कारण, उत्तराखंड वालों की बर्बादी ज्यादा ज्यादा हो रही दिन बे दिन। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो आप मकान है, मकान में सारी घास जम रखी थी तो कल मैंने तोड़ा इस एक तरफ से सारा, तो घास जम रखी थी पूरे मकान पे और वो छत की हालत भी पूरी है एक तरफ से, ऊपर से मकान भी पूरा, मतलब इसको चेंज करवाना पड़ेगा पूरा, जो ये पत्थर वाला है ना ऊपर से सिस्टम ये पूरा ख़राब हो चुका है, तो इसको करवाने के लिए मीटिंग बैठेगी एक बार फिर जाके सही होगा। मतलब इस ऊपर से सारा ये पत्थर ख़त्म हो चुके हैं और तो नीचे वाला जो चौक है ना हमारा वो भी जबरदस्त कंडीशन खराब हो रही है इसकी। तो दोस्तों आजकल गाना आ रहा कहा मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी, तो दोस्तों वो दिल्ली बम्बई कहीं से भी ठुमका लगा सकते हैं पर ऐसी जगह पर आकर अगर ठुमका लगा दिया तो भाई साहब नगद 500 रुपये नगद पुरस्कार मिलेगा। देख लो जितने भी इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूबर है मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी सारे ठुमका निकल जाएंगे एकदम। भाई साहब मेरे खुद निकल गए थे, मैं सुबह बाहर जाना था, मेरे को 5 बजे नींद खुल गई थी और बाहर जाना था घर का, यहाँ पे ज़्यादा नहीं यही घर से यहाँ से आना था मेरे को, यहाँ वाले कमरे से नीचे आके जीण से यहाँ से यहाँ से और ये है बाथरूम यहाँ जाना था। तो भाई साहब मेरी क्या मजाल, मैं नीचे आ जाऊँ और बाथरूम चला जाऊँ, सबसे पहले ये वाली झाड़ी, ये जब मैंने देखी तो मेरा हालत वजह ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई झाड़ी है जबरदस्त, मैंने कहा दिन में शेरा भालू बैठे होंगे नीचे और बाकी तो दिखाई दे रहे हैं आपको, देख सकते हो यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बाघा बॉर्डर से भी डेंजरस लगता मेरे को। तो पहले ये इलाका है ना सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक वहाँ तक हम अकेले भी चले जाते घूम फिर के आते, ये घर से ना वहाँ तक साफ दिखाई देता था पेड़ पौधे कहाँ पे जा रहा कौन जा रहा कौन आ रहा, और अभी जाएगा ना तभी पता नहीं चलेगा, उड़ जाएगा रे बाबा उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गए थे कहाँ निकल गए। तो दोस्तों सुबह के बज रहे 8 और नाश्ता पानी आज कुछ था नहीं तो हमने कहा सेब काटते सेब खा लेते, तो आज का नाश्ता इसी में गुजारा करेंगे, फिर अभी बहुत सारा काम है। जितने मैंने बक्से बोले थे ना अंदर पानी भर गया था, पानी लीक हो रहा ऊपर छत से तो सारे गीले हो रखे थे, मैंने सारे निकाल के सारे सुखाने के लिए डाल दिए, सारे गीले हो रखे थे इनको सुखाएंगे अच्छे ढंग से उसके बाद रखेंगे अंदर दीवान के अंदर, जब तक सूखते हम नाश्ता करते। भाई भाई नाश्ता कर रहा नाश्ता, आज सेब खा के गुजारा कर रहा भाई। तो दोस्तों आजकल यहाँ तो मौसम बिल्कुल एकदम चकाचक है, गाँव का मौसम बहुत अच्छा होता पर थोड़ा यहाँ पे डर लगता मेरे को, और कुछ नहीं मौसम तो बहुत अच्छा है पर ऐसी तैसी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये हैं अरबी के पत्ते, इनका हम गढ़वाली में पहाड़ी भाषा में बोल सकते हैं कि पत्यूड़ बनाते ना इसी का बनाते हैं पत्यूड़, तो बहुत सारे हो रखे पिंडालू बोलते हैं हमारे यहाँ, पिंडालू भी बोलते हैं लोग वैसे अरबी बोलते हैं हम पिंडालू बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लग रखे पत्यूड़ के लिए, तो यहाँ पर अरबी के पत्ते हैं। तो दोस्तों ये वाले हैं जो हम इनको बोलते करेला, इस पर भी लग रखे करेला एक दो तो लग रखे पर बहुत सारे, इनको केंकुलडा बोलते हैं केंकुलडा हमारे यहाँ करेला बोलते हैं, तो ये करेला का पेड़ है जिसमें करेला लगते हैं बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी भी। तो दोस्तों यहाँ पे ये है हमारा खीरा का पेड़ मतलब ककड़ी, हमारे यहाँ ककड़ी बोलते हैं ककड़ी बहुत सारी लग रखी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं यहाँ लेट आया हूँ तो ये पीली हो चुकी है, पहले हरी रहती थी जैसे छोटा वाला बच्चा है ना हरा वैसे रहती थी,
दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लग रखे हैं, पीली पीली है, अभी पीले हो चुके हैं। फिर देख लो आप, हरी नहीं मिली, मैं हरी ढूंढी आ रखा था, हरी एक भी नहीं मिल रही, पता नहीं किसी भाई लोग ने खा ली होगी। तो भाई लोग यहाँ पे पीली वाली बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब लाल हो गई सारी, मजा नहीं आता उतना जितना हरी होती। वैसे छिलके तो खा सकते हैं। तो बच्चे बुच्चे बहुत ज़्यादा लग रखे, छोटे छोटे बच्चे भी लग रखे, और एक ककड़ी तो आधा की पाधा खा रखी भाई किसी चीज ने। तो देख लो आप, आजकल गांव में बहुत ही बड़ा धमाका है, ककड़ी कुकड़ी मुंगरी। तो दोस्तों इसको तोड़ेंगे हम, थोड़ा नाश्ता में खाएंगे इसको, छोटा सा बच्चा है, बड़े बड़े तो पीले हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा कद्दू लग रखा, बहुत मुलायम लग रहा है ये, इसकी हम सब्जी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक ही है, तो दोस्तों यहाँ पे है, ये बहुत बड़ा है, मुझे लगता है ये तोड़ भी रखा, इस पर डंडी नहीं है, तो ये बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों एक छोटा सा कोमल सा कद्दू यहाँ पे लग रखा, जिसकी शाम को मैं आज सब्जी बनाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो यहाँ पे ये पेड़ दिखाई दे रहे, हमने राजमा लगा रखे थे यहाँ पे बहुत सारी, तो उम्मीद इस बार ख़त्म हो चुकी, इस बार राजमा की दाल खाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक भी पेड़ नहीं हो रखा राजमा, या राजमा पता नहीं कहाँ चली गई, खाली पेड़ ही पेड़ है। तो दोस्तों एक कद्दू है यहाँ पे, ये लग रहा जैसे पता नहीं कैसे पीला हो रखा, ये मेरे को लग रहा कोई जो कच्चा वाला खाते है वही लग रहा मेरे को। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं अपने सब्जी के बाग बगीचे में आ रखा हूँ, यहाँ पे पिंडालू है और कद्दू के पेड़ हैं, ककड़ी है, मुंगरी है, मुंगरी वाला भुट्टा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ जो राजमा लगा रखा थी, बहुत बड़ी उम्मीद करके लगा रखा था हमने यहाँ पे राजमा, ये पेड़ देख सकते हो सारे, तो एक भी पौधा नहीं राजमा का यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया, कीड़े ने सारे राजमा के पेड़ को काट लिया, हर राजमा नहीं है। तो मैं दिखा तो आपको, ये हमारे पिंडालू के पत्ते हैं बहुत बड़े बड़े, तो दोस्तों ये इतने बड़े बड़े होते गांव में, यहाँ पे हमारा पहाड़ी पत्तीड़ होता ना, पत्तीड़ इसी का बनाते हैं, तो ये पत्तीड़ वाली चीज़ है। तो करेला भी लग रखे ऊपर, देख सकते हो करेला का झालर। दोस्तों ये भुट्टे के पेड़ हैं, मुंगरी के पेड़, तीन पे भी मुंगरी आ रही छोटी छोटी, अभी एक दिखा सकता हूँ मैं आपको, एक ये है, इस पे अभी लगे नहीं, अभी ये छोटी सी बच्ची है, तो बड़ी हो जाएगी फिर निकालेंगे। दोस्तों अगर पेड़ पौधों की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये पेड़ है हमारे बांझ के पेड़, बहुत ठंडी हवा देते हैं, ठंडा बिल्कुल दिल्ली की ऐसी हो, फेल हो जाएंगे इसके सामने। तो ये हमारा पोलम का पेड़ है, जिसमें हरे भरे लाल पोलम होते। तो दोस्तों सारा घूम के आ चुका हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक खीरा लाया मैं चेक करने के लिए, खीरा खा के देखता हूँ कैसा हो रहा है, ठंडा सुबह सुबह ठंडा होना चाहिए, अगर ठंडा होगा तो मज़ा आएगा, काट दो मैं इसको। तो दोस्तों मैंने इसको काट दिया, अब नमक लगा के खाएंगे हम इसको। दोस्तों मम्मी और मैं आ रखे गांव में, तो दोनों खाएंगे, और यहाँ पे भाई लोग सब दिल्ली में, तो हमने ककड़ी काटी तो ककड़ी को खाते हैं और खा के दिखाते हैं। तो दोस्तों ककड़ी बड़ी टेस्ट हो रही है। दोस्तों दिन की लंच की तैयारी चालू है, और लंच में दाल बनाऊंगा मैं राजमा की, जो कच्ची फली होती है ना राजमा की, ये आप देख सकते हो, दिखाई दे रही नहीं दे रही, ये फली है, तो मैं इनको तोड़ूंगा। तो भाई इतनी हुई है, एक ही पेड़ पे लगे होते, बहुत कम है ये, अब इतना से गुजारा करना पड़ेगा। तो भाई कच्ची फली है, इनकी दाल बनाता हूँ, पता नहीं कितने दाने निकलेंगे, मेरे को लग रहा ज़्यादा हो जाते तो मज़ा आ जाता भाई, दाल बढ़िया बन जाता। तो भाई इसकी दाल बना रहा हूँ मैं, ये छिलते हैं तो ये कम, पर बनाऊँगा इन्हीं को, क्योंकि खाना अच्छा है तो बनाना भी अच्छा है। तो दोस्तों दिन के बज रहे 11:30, तो मैंने कहा थोड़ा सा चाय पी लेते, तो यहाँ पे दूध तो होता नहीं, फिर भी मैं काली चाय पीता, तो मैंने काली चाय बनाई। तो दोस्तों दिन की चाय पी रहे हम, चाय गर्म है, मौसम तो बिल्कुल अच्छा है।
तो भाई दिन का टाइम हो रहा है यहाँ पे, लंच में मैं बना रहा हूँ राजमा, कच्ची राजमा की फली लाया है, उसको छील के उसकी दाल बना रहा हूँ मैं अपने लिए। मेरा फेवरेट दाल है ये, कच्चे दाने होते ना तो इनका टेस्ट ही अलग होता। तो मैंने पहले सोच रखा था दिल्ली से आने से पहले, मैंने कहा गाँव जाऊँगा एक बार, कच्ची फली होती ना राजमा की उसकी दाल जरूर खाऊंगा। तो थोड़ी सी मिली पर मिल गई, तो मैं इसकी दाल बनाता हूँ। इसमें डाल दिया मैंने तेल सरसों का, थोड़ा तेल गर्म होता है और पूरा मेटल रेडी है। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा जीरा डाल दूंगा मैं इसमें। तो दोस्तों मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा जीरा, दोस्तों जीरा हो चुका है इसमें। वाह दोस्तों यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया, इसमें डालता हूँ मैं थोड़ा मिर्ची, थोड़ा हल्दी डालता हूँ। उसके बाद इसमें टमाटर डाल देते हैं, इसमें मसाले डाल देता हूँ मैं, नमक मसाले सब डाल देता हूँ। भगवान मिर्च लगे मेरे को। तो दोस्तों इसमें दाल डाल दी मैंने, सिटी मरवाता हूँ। तो दोस्तों ये सिटी मारेगा, दाल बन जाएगी फिर। तो दोस्तों हमारा खाना रेडी है, दाल चावल बन चुके हैं, मैंने थोड़ा ककड़ी काटी सलाद के लिए। दोस्तों हमारा लंच हो चुका है, हमने खाना पीना खा लिया, अब थोड़ा आराम करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग की शूटिंग भी आज ही शुरू हो जाएगी। तो बाय बाय। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं अपने सब्जी के बाग बगीचे में आ रखा हूँ। यहाँ पे पिंडालू है और कद्दू के पेड़ हैं, ककड़ी है, मूंग से गुजारा करना पड़ेगा। तो भाई कच्ची फली है, इनकी दाल बना